पे है, ये हमारा फोकस है। क्या समझते हैं हम लोग डेवलपमेंट की बात की जाए, इकट्ठे ही आज़ाद हुए या इकट्ठे ही हम लोग अपना अपना एक मुल्क बना, आज हम कहाँ वो कहाँ? देखें, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में आज़ाद हुआ या सेपरेट हुआ, आज़ादी तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम अब इंडिपेंडेंस डे हैं हमारे, तो उस दिन से मैं मतलब उसको रिलेट कर रहा हूँ कि हमें आज़ादी मिली। आज़ादी बेसिकली नहीं मिली, हम एक कलोनी थे, ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक सेपरेट हुए। तो अब इशू ये है कि एक ही टाइम पे हमारा एक ही दिन का फ़र्क है, 14 अगस्त 15 अगस्त। तो हम 75 रुपये का नोट एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आवाम को, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रिक कार दे रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब कि चीज़ें बनाई जा रही हैं, नहीं आईटी क्या वजह है? यही तो मेरा टॉपिक है। आईटी की फील्ड में देख लें या जिस भी फील्ड में देख लें कि इकट्ठे ही सफ़र का, और दूसरे नंबर पे उनके पास तो बहुत ज़्यादा आबादी थी, उस आबादी को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता, उस आबादी को मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू छोटी आबादी को मैनेज करना? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अभी जो न्यू रिपोर्ट आई 2022 की, तो दो ऐसे मतलब पॉलिटिशियंस थे हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का, एक मोदी हो गया और एक हमारा इमरान खान हो गया, जिसने मीडिया को दबा के रखा। ये वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये परसों हुई है रिपोर्ट, शायद आपने पढ़ी भी हो। तो एक तो हम पूरा बिलीव नहीं करते वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड में, आप बिलीव नहीं करते, ठीक है, आप एग्री कर, आपकी जो राय है वो आपकी अपनी पर्सनल राय है, लेकिन आपने जो बात की कि हम एग्री नहीं करते वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके इमरान खान साहब, हमारे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो तो अपने जलसों पर इंडिया के जो उनसे वो मिनिस्टर्स हैं उनके वो स्पीच लगाते हैं, तो फिर हमें तो एग्री करने पड़ेगा। हम एग्री करते हैं, इंडिया एक डेवलपमेंट मतलब जैसे हम हैं ना, हम अभी डेवलप हो रहे हैं, इंडिया हमसे बहुत एडवांस है हर लिहाज में, इकानमी के लिहाज से भी देख लें, उनकी मतलब इनोवेशन देख लें, ठीक है, उनकी आईटी सेक्टर देख लें, उनकी पॉलिटिशन जो भी हैं वो हमसे आगे हैं। क्या रीज़न है इकट्ठे हमने सफ़र शुरू किया? यार पाकिस्तान पीछे नहीं है देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान FATF की पहले ब्लैक लिस्ट होने वाला था, अब वो ग्रीन लिस्ट में मतलब ग्रे लिस्ट में आ गए हैं, और सितंबर में उम्मीद है कि वो उसको वाइट लिस्ट में कर देंगे। और अगर बाहर की कंट्री आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हमारे उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है वो किसी बाहर की कंपनी ने बनाई है? बाहर की कंपनी नहीं बनाई, वो इंडिया ने खुद बनाई है। लेकिन बात ये मैं कर रहा हूँ कि जैसे आप मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आप चाइना, अमेरिका, ठीक है, और ताइवान, जापान, ये वार कंडीशन में आ गए हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहे पाकिस्तान, तो बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं। उसका ये है कि हम अपना गवादर पोर्ट जो ऑपरेशन है उसको ऑन करवा के चाइना को पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और उसको बाय रोड सी पैक भी मतलब उसको मिल जाएगा, तो हम अपना पूरे मुल्क का जो कर्ज़ा है ना उतार सकते हैं और आगे जा सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। वजह क्या है? यही तो मैं, मेरी बात जो उनसे है शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वजह ये है कि हमारे अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, वजह क्या है? हमारे मुल्क में टैलेंट भी बहुत है, माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि उसको आगे यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, यंगस्टर को मौका नहीं दिया जाता, ठीक है, जो हैं बस वही हैं, ठीक है, किसी और का मौका हमें देना नहीं है। अब पहले हमारे पाकिस्तान में ये था कि दो पार्टी, ठीक है, पीपल पार्टी सिस्टम था, लीग, ठीक है, ये थी। आप PTI आई, जैसे फॉरेन फंडिंग केस आ गया, तो कोई भी हमारा ऐसा हुक्मरान हमें नहीं मिला आज तक, इंडिया को मिले हैं नो डाउट मिले हैं, ठीक है, हमें वो नहीं मिला कि जो हमारे पाकिस्तान के लिए काम कर, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं वो अपनी जेब के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। ईमानदार लीडर, ठीक है, ईमानदार लीडर थे, लेकिन हम 100 रुपये देकर हम अपना वोट भेज देते हैं, तो मांगते हैं उम्र है और 100 रुपये पे वोट भेज देते हैं, तो हमारा पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? इसका मतलब है इसमें मेरी गलती है, इसमें हर पाकिस्तानी की गलती है, जो थोड़ा भी शऊर रखता है उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। आपको लगता है ये नारे लगा लेने से, पाकिस्तान जिंदाबाद कह लेने से नो डाउट हमारा जज्बा तो बेहतर होता है, लेकिन हमें पाकिस्तान को हम कुछ फ़ायदा दे पाते हैं? मैं एक बात करना चाहूँगा, वो सहाबा किराम थे जो अल्लाह अकबर कह के जंग जीत लेते थे, आजकल जो टाइम है ना वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, अल्लाह अकबर कह के हम जंग नहीं जीत सकते, ये हमारे अंदर वो ईमान नहीं है। तो सेकंड बात ये है कि जैसे आपने कार की बात की पहले इंडिया की, तो अमेरिका में देख लें तो वो जो एक डीजल या पेट्रोल कार है उसके ऊपर वो मंथली जो चार्ज कर रहे हैं वो $100 कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब टेस्ला या इनकी कारें हैं इलेक्ट्रिक उस पर वो $10 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि एक वर्ल्ड वाइड जो पेट्रोल की मतलब कंजम्पशन है वो कम हो, ठीक है, और माहौल भी आलूदा ना हो। और हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है कि और कारें, और अब देख लें पाकिस्तान में तो टोयोटा और इन्होंने अपनी सप्लाई भी बंद कर दी है, इम्पोर्ट भी बंद है हमारी,
इलेक्ट्रिक कार तो दूर की बात, मतलब जो थोड़े अच्छे ब्रांड हैं वो भी पाकिस्तान में आने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए स्टेबल नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है ये बातें करके, मुझे कोई मज़ा नहीं आता इस तरह के इंटरव्यूज़ करके, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि अवाम को बताऊँ, अवाम को शऊर दिलवाऊँ, अवाम को अवेयरनेस दिलवाऊँ। मुझे लास्ट में बता दें इसका हल क्या है, एक दो लाइन में। इसका हल ये है कि हुक्मरान चेंज करने पड़ेंगे, हमें न्यू जनरेशन को हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लगता कि हर चीज़ से पहले अपने जज्बात से पहले, रिलीजियस से पहले, सबसे पहले पाकिस्तान को आगे रखा जाए। पाकिस्तान का जब आगे रखा जाएगा, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम और आप ऐसे खड़े नहीं होंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान बेसिकली लिया गया था कलमे की बुनियाद के ऊपर। लेकिन मुझे कोई एक ऐसा काम बता दे कि जो इस्लाम की रूह से हो रहा हो। ये मैंने इस पे वीडियो भी की थी कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना इस्लाम की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, जबकि इस्लामिक रूल नहीं है पाकिस्तान में। सूद का निज़ाम है जो कि इस्लाम में हराम है, मतलब सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे एक दूसरे को मारने के लिए हम ऐसे तैयार होते हैं जैसे हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। वो हमने ठेका लिया हुआ है ना इस्लाम का। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, एजुकेटेड हैं और मैं समझता हूं कि अवेयरनेस रखते हैं। जब इन जैसे लोग सोसाइटी में मज़ीद बढ़ेंगे तो ही सोसाइटी बेहतर और बेहतरीन होगी। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूं काफ़ी ये यूट्यूब के ऊपर, और आज इतफाक़ हुआ कि इंटरव्यू भी हो गया, तो आपको आपको देख के मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं भी चैनल बनाने लगा हूँ। ज़रूर आप चैनल बनाए, जो इस तरह का जो अच्छा काम करेगा, जो वक्ती तौर पर सो कॉल्ड मुहिब वतन पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा मैं कहता हूँ जितनी मेरी हैसियत है मैं उसे अप्रिशिएट भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर शहजाद। क्या करते हैं? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल हमारी इंडिपेंडेंस डे थी पाकिस्तान की और हमने 75 रुपये का 75 रुपीज का नोट लॉन्च किया, आपको पता है? जी जी बिल्कुल। आज इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ये भी पता है? जी जी ये भी पता है। तो दोनों ने डेवलपमेंट का सफ़र 1947 में इकट्ठे स्टार्ट किया था, फिर हम इतना फ़र्क क्यों, डिफरेंस क्यों हो गया? यार बेसिकली देखें, आपकी स्टेट की प्रायोरिटीज़ की बात है, तो उन्होंने डेवलपमेंट को रखा है, आपके और मसाइल थे, इशूज़ थे आपके। वो मसाइल उनको नहीं थे, जो मसाइल हमें थे मेरे ख्याल में उन्हें भी वही मसाइल थे। नहीं मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है, उनका ऑलरेडी जो कुछ भी था, मतलब इंडस्ट्री को ले लें या डेवलपमेंट को ले लें या उसके अलावा इकॉनमी वगैरह को ले लें, तो उनकी हमसे ज़्यादा स्टेबल थी। हम लोग एक जहाँ पे आए थे एक हिस्से में कट के हम लोग आए थे। उन बात को मान, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन, क्योंकि वो आपकी बात का जवाब देना है, इस बात को मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो जब हम सेपरेशन हुई तो वो हमारे से ज़्यादा स्टेबल थे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं, दुनिया ये कहती है कि 18th का अगर टाइम लिया जाए, 70s की बात की जाए, तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था डेवलपमेंट में, तो तब हमें नहीं थी ये चीज़ों की याद? यार देखिए, वो शुरू में हम लोगों की इकॉनमी जो थी वो ऑब्वियसली हम लोग बिल्डिंग फेज़ में थे और एक किस्म का जब कंट्री हमने हासिल किया था तो लोगों में एक पैशन था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें थी वो आप उसके बाद जो है ये चीज़ देखें, आपने बोला है यही बात मैं करना चाहता हूँ, तब पैशन था तो अब पैशन की शायद कमी है, ये तो नहीं हम कह सकते कि तब हमारे पास फैसिलिटीज़ थी या अब नहीं है। नहीं, रिसोर्सेज का अब भी मसला नहीं है, मसला सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ आपके स्टेट के विल का है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं। आप अगर कंप्यूटर्स में देख लें, मोबाइल्स में देख लें, तो हमारे जो नेबर्स में बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप्स वगैरह जो है वो बाहर दुनिया को भेज रहा है, तो हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती। तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज किया, और सबसे जो बेसिक वजह थी मेरे ख्याल में वो ये थी कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसने फिर आगे जा के जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट किया, और पे दर पे जो हमारी यहाँ पे पहले 5-10 साल में कोई 8-10 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे, और एट द एंड हमारी एंडिंग ये हुई हमारे पहले 10 फॉर्मेटिव फेजेस में, पहले 10 सालों में कि हम लोग मार्शल लॉ पे चले गए, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल किया गया। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमारे यहाँ डिरेल किया गया तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ शोबों पर हुआ। ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं आप, ये बात आपकी समझ में आने वाली है। इंडिया के पास ऐसा क्या फार्मूला है कि वो डे बाई डे तरक्की, और देखें जब इंडिया की डेवलपमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, तो मुझे मैं यहाँ पर जिससे भी बात करता हूँ आपसे भी मैं कहता हूँ कि भाई मैं अगर आपको लगता है तारीफ कर रहा हूँ तो मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं, इसको अगर हमें जज्बाती तौर पे नहीं देखना चाहिए, लॉजिकली देखना चाहिए कि सीखने के लिए देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल में उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कभी भी डिरेल नहीं हुआ, और ना ही हम वहाँ पर कोई मार्शल ला रहा है, ना ही वहाँ पर कोई इस तरह की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। दूसरा, उनके यहाँ जितनी डिवेलपमेंट हुई, आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, एजुकेशन सेक्टर देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब रनिंग में रखा है, कहीं ना रुकावट नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से, डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसमें है वो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, इसकी एक हैजमनी जो क्रिएट हुई जो लोगों को सामने नज़र नहीं आती। तो अगर इन चीज़ों पर बात करें तो एज अ पाकिस्तानी ये नहीं होगा कि हम लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं या इंडिया की, तो लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहिए, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करें और उनसे सीखें और खुद को बेहतर करेंगे। हाँ, तो इसमें फिर यही है कि उनका जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ, वो एक बड़ी मार्केट थी, इंट्रैक्शन ज़्यादा था, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा थी, वहाँ से ग्रेजुएट्स बहुत हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है, उन्होंने क्वालिटी ग्रेजुएट्स हर शोबे में प्रोड्यूस किए, और उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है, आपने वो नोट देखा होगा, उस पर एक तरफ तो हमारी पोलिटिकल लीडरशिप है और दूसरी तरफ पता नहीं हिरन है, मारखोर है, वो उसकी बैग पर कौन सी तस्वीर है उसके बारे में मैं तो स्टिल कन्फ्यूज। अगर तो वो मार खो रहा है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वो बेसिकली वो मार खो रहा है जो हम लोगों को, उस साइड पे हम नहीं जाएंगे। समझने वाले समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, नोट्स आपने देखा है। मुझे ये बताएं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूथ हूँ, आप स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, हमने कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि इंडिया ने ये कर लिया, वो कर लिया, आखिर हमने भी पाकिस्तान को बेहतर करना है। हल बताएं मुझे एक दो लाइन में कि यार कैसे पाकिस्तान को आगे। सिंपल हल तो ये है कि आप अपनी रिसर्च में पैसा डालें, गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, वो सोशल साइंसेस का है, साइंसेस का है, इंटरनेट का है, या हमारा कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो कुछ भी है उसमें लोगों को फैसिलिटेट करे। हमारे यहाँ जो कोई भी जो काम करता है वो अपनी पर्सनल एबिलिटी पे, अपनी कोशिश के करता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ नहीं होता। अब अभी हमारे एक अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल, तो आप उनकी देखें ना, उनको कभी ज़िंदगी में प्रॉपर कोई जिम नहीं मिला कि जिसमें जाके वो अपनी बॉडी की प्रैक्टिस कर रहे। तो इसी बात को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में ले लें या बाकी चीज़ों पे ले लें, तो बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। कोई बच्चा अगर उसमें कोई नेचुरल टैलेंट है तो उसको किस तरह हमने क्रॉप करना है, उसको किस तरह बेहतर करना है, और उसको उसको इस काबिल बनाना, यूटिलाइज कैसे करना है अपने पाकिस्तान के लिए। जी, यूटिलाइज कैसे। मुझे लास्ट में ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, आप इंडिया ने ये जो अचीवमेंट की है, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, 5G लॉन्च कर रहा है, इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं या नहीं? जी मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में आवाम बैठी है वो हम जैसी आम आवाम ही है। तो जब भी इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई डिस्कवरी होगी, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हम जैसे आम बंदे को ही होगा। तो इसलिए और सीखने को भी मिलेगा हमें। जी, हमारे यहाँ बॉर्डर की लकीर तो है, लेकिन आप देख ले, मैं एज अ पंजाबी मैं देखूँ तो मेरा दूसरी तरफ जो पंजाब खड़ा है वो भी लोग, आम लोग बिल्कुल दिखने में, बोलने में, बैठने में, उठने में मेरे जैसे हैं। तो मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ, और यही कहूँगा कि हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए काम करना। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। क्या करती हैं? मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने 75 रुपीज़ का गवर्नमेंट की तरफ से नोट लॉन्च किया गया। आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार, आपको नहीं इस चीज़ का पता? नहीं, मुझे नहीं पता। जबकि अगर बात की जाए 1947 में दोनों कंट्रीज ने डेवलपमेंट का सफर इकट्ठे स्टार्ट किया था, आज हम इतना पीछे और वो इतना आगे, मतलब वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं, वो 5G लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोग नोट लॉन्च कर रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह ये समझती हूँ, क्योंकि उनके अपने मुल्क की कदर है, डेफिनेटली हमें भी अपने मुल्क की कदर है, लेकिन वो अपने मुल्क को सबसे आगे रखते हैं, हम लोग जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वो जो है वो अपने मुल्क में काम करके और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, आपने ये बात की है, मैं इसे एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक, कदर, लेकिन ये है कि हम भी करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है, क्या ऐसी वजह है कि वो लोग अपने मुल्क को पहले प्रायोरिटी देते हैं, और हम लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन जहाँ पर आती है बात अपनी, तो फिर हम अपने आप को पहले प्रायोरिटी।
इसमें यह है कि उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो डिग्रीज तो पूरी कर लेते हैं लेकिन डिग्रीज करके बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, लेकिन वो जो उनके पास फैसिलिटीज़ है वो काम करके प्रैक्टिकल करते हैं और अपने मुल्क पे लगाते हैं, अपने मुल्क पे प्रैक्टिकली काम करके लगाते हैं। आपको लगता है इन फ्यूचर पाकिस्तान भी इस तरीके से डेवलप करेगा? मुझे लगता है कि अब जो यंग जनरेशन है वो सीखेगी कुछ और वो इंशाल्लाह काम करेगी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो बेहतर काम कर रहे हैं वो हमें भी अडॉप्ट करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुसैन अहमद। क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। बीएस का स्टूडेंट है। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल हमारी आज़ादी का दिन था 14 अगस्त, आज 15 अगस्त की बात की जाए तो इंडिया वालों ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है अपने 75th इंडिपेंडेंस डे पे। हम लोगों ने जो क्या किया है लॉन्च, पहले नंबर पे तो ये मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ और सेकेंडली ये पूछ रहा हूँ, दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे ही अपना एक खुद मुख्तार रियासत बने और तरक्की का सफ़र शुरू किया, आज हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? पाकिस्तानियों ने 75th एनिवर्सरी पर उन्होंने एक नोट लॉन्च किया है 75 रुपए का, ठीक है ना? तो आपने जैसे एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट है, अचीवमेंट भी आप कह सकते हैं, नहीं भी कहना चाहें तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि 75th एनिवर्सरी थी तो उसकी खुशी में उन्होंने एक नोट लॉन्च कर दिया जो कि 75 रुपीज़ का था। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के हवाले से क्या किया? या डेवलपमेंट की बात की जाए तो 75 साल हो गए, इतनी खास की डेवलपमेंट आई नहीं है लेकिन कुछ तरक्की आई है, तो उम्मीद है कि आगे चलती रहेगी, लेकिन अभी इतनी तरक्की नहीं की है इन्होंने। इंडिया वालों ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, 5G लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि वो इतनी बड़ी आबादी को भी हैंडल कर रहे हैं? उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आपको पता है, वो आबादी को भी हैंडल कर रहे हैं और फिर उसके बाद इतनी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो कौम है ना वो इसमें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है, हमारी जो आवाम है ना वो ज़्यादा अमीर है, और इसके मुतबादल आप उधर देखें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके पास पैसा है, आवाम अगर थोड़ी सी गरीबी कंसिडर की जाए तो ठीक है, वो वहाँ के लोग भी बहुत से अमीर हैं। मैं कहता हूँ वर्ल्ड लेवल पर अगर टॉप 10 जो रिचेस्ट पीपल हैं वो भी इंडिया से 1-2-3 होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो पाकिस्तान के आप किसी भी मुल्क में देखें, इतने मुल्क किसी भी मुल्क में देखें, इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी, आप किसी भी सड़क पर जाते हैं इतनी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, वो भी बड़ी बड़ी, इससे पता चलता है कि आवाम अमीर है। जबकि गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि खजाने के अंदर कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं फिर मिसमैनेजमेंट तो है ना गवर्नमेंट की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से। तो क्या समझते हैं आप, स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, हम लोगों ने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, इंडिया से हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? हमारा सबसे बड़ा इशू जो है, हम सिर्फ एक ही चीज़ को प्रोमिनेंट करी जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इशूज़ को, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि दो पार्टीज की आपस में मुखालफत दिखाई जा रहे हैं, ठीक है ना, वो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो कहते हैं ये करप्ट है, वो लोग किसी से ये नहीं पूछते कि भाई आपने क्या किया। एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ कि तरक्की आ सकती है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर रुबा। क्या करती हैं? स्टडीज कर रही हूँ। स्टडीज कर रही हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने अपने 75th इंडिपेंडेंस डे पर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ठीक है, और हमने अपने 75th इंडिपेंडेंस डे पर लॉन्च किया है 75 रुपीज का नोट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता डेवलपमेंट के हवाले से, जबकि दोनों कंट्रीज़ इकट्ठे ही सफ़र शुरू किया था हमने, तरक्की का डेवलपमेंट का जो सफ़र है वो इकट्ठे शुरू किया था, आज हम किधर हैं वो किधर हैं, क्या वजह? अभी देखिए आपने कहा कि देर इज़ नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, आई थिंक सो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। देखिए हमने जस्ट अपनी करेंसी को जो है वो हमने शो ऑफ किया और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक इतनी अच्छी जो इम्प्रूवमेंट है वो की, जैसे भी आपने बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है वो लॉन्च की, तो क्या वजह क्या समझती हैं, इकट्ठे ही हमने सफ़र का आगाज़ किया वो इतने आगे क्यों डेवलपमेंट में जा रहे हैं? देखें ये चीज़ है कि हम बॉर्डर कितना करते हैं अपनी कंट्री को, हम रिस्पेक्ट कितनी करते हैं, हम उस अपनी कंट्री के लिए एंथुसियास्टिक किस हद तक हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आज वो एक मुकाम पर हैं और हम लोग अभी के वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग भी ऐसी तरक्की करेंगे, ऐसी डेवलपमेंट्स करेंगे? अगर हम फोकस करें बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ गुड इंडिविजुअल इन आर सोसाइटी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बॉदर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम लोग का अपना फ़ायदा हो जाए किसी ना किसी तरीके और मुल्क जाए बाढ़ में, और मुल्क जाए बाढ़ में। तो आई थिंक सो कि हमें हर लिहाज से, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं, हम किसी भी जो भी हमारी आइडेंटिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो हम उस बिहाफ पे जो है ना अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करें जहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महनूर। क्या करती हैं? मैं यहाँ से बीएस जेंडर स्टडीज़ कर रही हूँ 4th सेमेस्टर की। 4th सेमेस्टर में। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कल हमारा आज़ादी का दिन था, इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, और हमने 75 रुपीज़ का नोट लॉन्च किया, आपको पता है? जी। ठीक है, और इंडिया का आज इंडिपेंडेंस डे है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। जी ये भी पता है। ये पता कैसे पता चला?
इंटरनेट से पता चला, ठीक है। तो क्या वजह समझती हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं, वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग अभी तक मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं? क्या हम अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है और वहाँ पर काबिलियत देखी जाती है और यहाँ पर इग्नोर करते हैं, यहाँ पर इतना देखते नहीं है, रिश्वत होती, लोग नहीं देखते, जो हमारी हुकूमत वगैरह वो नहीं आगे आने देती कुछ को, क्या ये वजह समझती हैं? तो आपको नहीं लगता कि अब हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो कैसे डेवलपमेंट आएगी? मतलब अगर हुकूमत हमें मतलब के ऑप्शंस दें काम के, मतलब जॉब फैसिलिटीज दें और मतलब ये जो न्यू जनरेशन है उनको आगे करें तो हो सकता है, फिर उम्मीद है कि कुछ बेहतर किया जाए। हमें इंडिया के ये जो काम हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें सीखने की ज़रूरत है, इनसे देख के ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है या